हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है मुझसे, हर दूसरा बंदा वही कमेंट कर रहा है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया घूमने गए हो, आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी। हर कोई डेली कोई ना कोई आके बोल ही देता है, भाई तुम मज़े लेने गए हो या पढ़ने गए हो, मज़े लेने गए हो या पढ़ने गए हो। तो भाई तुम सबकी दुआएँ कबूल हो गई, आज हमारी पहली क्लास है और हम पहली क्लास लेने जा रहे हैं। ये देखो ठंडक पड़ गई तुम्हारे कलेजे को, अब खुश है हैं? अच्छे वाले बच्चे को बसा दिया बिना बात के, अब क्लास लेने जा रहे हैं। आज हम पहली क्लास है आज हमारी। सारी चीज़ें बताऊंगा तुम लोगों को, यहाँ पे किस तरीके से क्लासेस लगती हैं और कैसे पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें मतलब जो भी है, और एक तरीके से यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी दिखाऊँगा कुछ थोड़ी बहुत। तो बने रहो व्लॉग में, मज़ा आएगा। नॉर्मल सा दिन है आज, तो मैं सोचा यही सारी चीज़ें कर लें, बताता हूँ तुम्हें सारी चीज़ें, बने रहो व्लॉग के साथ, मिलते हैं। और हाँ यार, एक चीज़ और बोलना चाहता था, थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। ऑल दो छोटा नंबर है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा है, बिकॉज आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मतलब 500 सब्सक्राइबर या 400 ये कभी होंगे, और धीरे धीरे इंक्रीज ही कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे खुद को वीडियो बनाने का मन करता है कि यार हाँ, लोग देखने वाले हैं तो मैं वीडियो बनाऊँ। ऐसे ही बस बने रहो, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको कंटेंट देता रहूँगा, डेली व्लॉगिंग होगी, सारी चीज़ें आएंगी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वीडियो नहीं आती है, अभी तो आगे का कह नहीं सकता मैं भाई, अभी हम बिज़ी नहीं है ना, फ्री हैं थोड़ा, तो डेली डालने हैं। जब बिज़ी हो जाएंगे तो हफ्ते में 3-4 कर देंगे, पर कंटेंट बंद नहीं होगा मेरे भाई, आता रहेगा कंटेंट, हमेशा आएगा। तो बने रहो चैनल के साथ, मेरे साथ, और मेरी जर्नी का पार्ट बनो। जो लोग जो मेरे को पहले से जानते हैं, जो पहले सब्सक्राइब करके बैठे हैं, उन्हें पता है कि मैंने कैसे कैसे वीडियो बनाई हैं, कितनी सारी चीज़ें करी हैं। और जो अब आ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो भी आगे जानेंगे कि मेहनत तो करता हूँ भाई मैं। भाई वैसे तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ, फिर भी देख लो यार, देखो यार तुम जगह देखा करो बस। गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये हार्बर टाउन है भाई, ये देखो सामने सिटीज, ये ऐसी गाड़ियाँ तो ऐसी खड़ी रहती हैं, नॉर्मल नॉर्मल। ये देखो नज़ारे तो भाई, जितना दिखाओ ना उतना कम है। लाइक तुम सुबह सो के उठोगे ना तो अभी तुम्हें यहाँ का वेदर अच्छा लगेगा, रात को सोने जाओगे तो भी वेदर अच्छा लगेगा। रात को हम सो रहे थे तो भाई चांद कितना प्यारा था, ऐसा चांद था कि अगर इंडिया में होता तो ईद बन जाती, आधा चांद था पूरा एकदम बढ़िया एकदम पूरा मतलब बहुत सही वेदर रहता है यार हमेशा। और बादल तो देखो हमेशा ऐसे रहते, खुश हैं भाई, खुश कि हम बढ़िया बढ़िया जगह पर पैदा हुए हैं। और यहाँ के बच्चे भी कुछ रहते हैं क्योंकि बढ़िया कंट्री में जन्म लिया। मैं किसी कंट्री को बुरा नहीं बोल रहा भाई, तुम ये मत समझना, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तू इंडिया को बुरा बताता, भाई कभी नहीं, कभी भी नहीं, मैं इंडिया को कभी बुरा नहीं बताता भाई। और इनफैक्ट मेरा भी लॉन्ग टर्म प्लान यही है, कुछ साल यहाँ रहने के बाद इंडिया ही लौटना भाई। इंडिया से बढ़िया कोई कंट्री नहीं है अपनी, ये तो फैक्ट बात है, चाहे किस भी वे में ले लो, कल्चर के बेसिस में ले लो, और हर तरीके के नेबरहुड वहाँ पर बहुत अच्छा, सारी चीज़ें वहीं पर अच्छी हैं यहाँ के कंपेरिजन में। बस यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है और प्राइवेसी ज़्यादा है, आपको लोगों का आपसे मतलब नहीं है, और कुछ चीज़ें यहाँ की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें वहाँ की अच्छी, सब अपनी अपनी जगह बढ़िया, लेकिन इंडिया जैसा कोई भी नहीं है। कहते हैं ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो फैक्ट बात है। तुम भी इसी बात के साथ बने रहो, यहाँ पे आओ, पढ़ाई करो, रहो, पैसे कमाओ, लौट के अपने घर ही जाना भाई। भाई अपन लोग आ चुके यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का स्टेशन है, पहले भी तुम्हें बहुत बार दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ, देखते रहो सब, देखो तुम लोग। अपन जा रहे हैं क्लास में, अभी कौन से उसमें रूम में क्लास हमारी, G42 में जाना है हमें, जाता हूँ भाई। दिस इज यूनिवार, यहाँ सारी पार्टियाँ होती हैं। दिस इज मी वॉकिंग, स्लो कर मी, यूनिवार में ना हमेशा क्राउड मिलता है,
क्योंकि लौंडे लपाड़े बैठे ही रहते हैं, सुबह से पीना शुरू करते हैं लोग, यहाँ पर रात तक पीते हैं, बहुत पीते हैं भाई, खराब माहौल है। किसी यूनिवर्सिटी किसी भी कोने में तुम्हें बैठे बैठे सिगरेट पीते मिल जाएंगे, दारू पीते मिल जाएंगे, मस्त है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हम इस यूनिवर्सिटी में जब जब आते हैं तब तब खो जाते हैं। अब ढूंढे G42 कहाँ है जहाँ हमारी क्लास है, गूगल पर देख रहा है, ये क्या बता रहा है, पीछे की तरफ बता रहा है। हम चलते जा रहे हैं यार भाई, आगे किसी से पूछ भी नहीं सकते, एक तो लोग नहीं है यहाँ पे, लोग मतलब हैं ऊपर की साइड, ये सुनसान रास्ता, ये बंदा बैठा अपने से पूछ कर पूछा भाई अभी अभी एक भैया से प्रोफेसर से भाई, तो उसने बताया सी से जाओ, तो जा रहे हैं बिजनेस टू, ये रहा सामने भाई, ये बिजनेस टू है, फाइनली मिल गया ग्रिफिथ बिजनेस स्कूल। दोस्त यू डोंट नो हम बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ कर रहे हैं, मैं क्या कौन सा कोर्स है मेरा ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, तो हो सकता है जब तक ये वीडियो आया होगा तब तक वीडियो आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा यार, सब्र रखो यार, एक ही करके चीज़ें दिखाऊंगा यार तुम्हें यार, वरना हवाल बता दूंगा। हाँ देख हवाल, हाँ एकदम इकट्ठा सब कुछ बता दूंगा यार, तुम यार थोड़ा टाइम दिया करो, नहीं हवाल बता दूंगा तुम्हें, बता दूंगा हवाल, समझ रहे हो गाड़ी की ब्रांड है ना, हवाल हवाल बताऊँ तो है। जल्दी आ यार, थर्ड फ्लोर पे जाना है यार, इसके ऊपर ही जाना है। थक गया यार, है रोज ऐसे चलना पड़ा कर क्या, अबे एग्जिट है लेवल 3 की, वो सिटी एक्स्ट्रा हो गया। भाई कब तक सेंट एंड्रयूज में पढ़ते रहोगे, कब तक आगरा कॉलेज में पढ़ते रहोगे हैं, ये ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में आओ। हाँ भाई कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा, कुछ समझ नहीं आया, फिर सेम को समझ नहीं आया, आई डिड नॉट आई विल आस्क दिस पर्सन, हे ब्रो हाउ वाज द फर्स्ट क्लास, हाउ वाज द फर्स्ट क्लास, इंटरेस्टिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, यू एंजॉयड इट, आई एंजॉयड इट, सो टेल द पीपल वेयर आर यू फ्रॉम, युगांडा, फ्रॉम युगांडा, या he came right away from Uganda to here in Australia, yeah. And I make only this friend on first day, okay. We will be friends forever, yeah, we shall be friends forever. भाई ये लड़का मुझे हमेशा इधर उधर घुमाता रहता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता कहाँ जाना है क्या करना है। अभी रुक जा, अभी गूगल मैप लगाता हूँ भाई। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का स्टेशन है, मैं उसके पे जाना था, मैं GCUH के स्टेशन पे, वहाँ से लाइब्रेरी थी, चल वापस चल, अब घूमना पड़ेगा ना इधर से, सुड़ी नहीं तो देख, वो तो वहाँ पे, वो तो बस स्टेशन पे गए हैं, कौन वो मोटा खड़ा हुआ उधर, फिर रहने मेरे ब्लॉग व्लॉग देखेगा तो पहचान जाएगा मोटा, बोल लो क्या क्या नाम था, जहाँ वो मिला था लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी नाम है उसका, देख कितना कितनी लंबी चढ़ान है यार ये, देखना भाई अब हमें फिर से ये सब करके जाना पड़ेगा यार। और ये देखो यार ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, ये ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का एक स्टेशन ये है, एक आगे है GCUS, वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का स्टेशन है भाई, आगे है ब्रो, आई नो दैट, सीधे सीधे जाना है, फिर लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से फिर एक और लेफ्ट लेना है, सामने लाइब्रेरी है जहाँ से हम आए थे, बड़ा मुश्किल है भाई, बड़े बड़े देशों में पढ़ना बड़ा मुश्किल है, खो जाते हैं यार, मेहनत करनी पड़ती, चलना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है, मत आओ मत आओ भाई, ये मुझे फिर भटका रहा था, पर इस बार मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा आप तेरे को जहाँ भी जाना है, बुलाती है मगर अगर जाने का नहीं भाई, क्लास में बहुत मजा आया सच बताऊं तो भाई, पहले शी वॉज नर्वस हो रहे थे क्योंकि मैं तो कभी नर्वस नहीं होता, यही नर्वस हो रहा था भाई, मैं तो मस्त था, मैंने तो क्लास में भी टीचर से, क्यों मुझसे पीछे बोल रहा भाई, एक दिन ऐसा आएगा कि हम
यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी क्लास के बाहर बैठा करेंगे। अबे नहीं यार, मैं क्वेश्चन नहीं तो पूछ रहा था यार, लिख देंगे एक दो क्वेश्चन नहीं आए तो पूछ रहा था यार, ये कोई बात है? वो बहुत काइंड थी यार, टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, सच को डरने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी क्वेरी आया कुछ भी डायरेक्ट बोलो खुल के यार, कि मैडम ये समझ में नहीं आया हिंदी में। लैपटॉप नहीं यार, हाँ ये चीज़ तो मैं तुम सबसे बोलना चाहूँगा कि ठीक है फोन वोन सारे काम हो जाते हैं फ़ोन से, बट यू मस्ट हैव अ लैपटॉप। हमारे पास लैपटॉप नहीं, हम नहीं लेके आए थे, हमने सोचा था यहाँ पे आके मैकबुक लेंगे, वो तो लेंगे ही, अभी नहीं लिया। भाई सीन ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्टडीज़ होती है ना वो सब ऑनलाइन है। माई ग्रिफिथ, मैं अपनी पर्टिकुलर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का बताता हूँ, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की माई ग्रिफिथ आईडी बनी हुई है, उस पर आपको जाना है, सारी फाइल सारी पीपीटी सब कुछ स्लाइड सब कुछ वहीं पर है, आपको बस लैपटॉप में खोलना है, सारी पढ़ाई वहाँ से करनी है, कुछ लिखने वाला सिस्टम नहीं है। तो लैपटॉप होना ज़रूरी है, लैपटॉप नहीं है आपके पास फ़ोन से काम चलाओ, लेकिन यहाँ पे आके या तो लैपटॉप लेना, और अगर मैं कह रहा था कि इंडिया में जैसा भी लैपटॉप है ना उसे लेके आओ, कुछ दिन यहाँ पे चलाओ, फिर मैकबुक लेना जो लेना वो तुम ले लेना। हम लेके नहीं आए, हमने गलती करी, लेके आना चाहिए था, पर हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे बाय करेंगे, लैपटॉप भी लेंगे। गलती एक्चुअली ब्रो हमारी नहीं है, गलती किसी और की है, ठीक है? गलती एक हुई थी 2001 में, एक 2002 में, ठीक है? गलती तो हमारी नहीं है भाई, गलती तो समझ रहे हो, पर फिर भी चला रहे काम। लैपटॉप तो लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे, अगर तुम्हारे पास है तो लेके आओ, बस यही बता रहा था तुम्हें। बाकी क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है, बहुत से एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बस क्लास में तुम्हें सोचो ऑस्ट्रेलिया में आगे के ऑस्ट्रेलियंस देखने को मिलेंगे, नो, यू विल ओनली गेट टू सी चाइनीज एंड इंडियंस, बस। एक तरफ कोरोना वायरस, एक तरफ दांत का खुजली। ओके सॉरी, कट कर दूंगा ये वाला। टांग ले यार करन प्लीज। अरे भैया बहुत बहुत ज़्यादा लंबी चढ़ाई है भाई, ऐसी तो वैष्णो देवी की भी नहीं थी। ओह भाई ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है यार, तुम किसी छोटी में लेना एडमिशन, सेंट जोन्स जैसे कॉलेज में, आगरा कॉलेज में, उनमें पढ़ाई करना है यार। फिर बहुत चलना पड़ता है यार, देखो हम आगे स्टेशन पर सुबह कहा था ये हॉस्पिटल के, फिर हॉस्पिटल ये यूनी बार आ गया फिर से भाई, यहीं कहीं घूमते रहते हम, कैंपस तो बहुत बड़ा है, घूमते आसपास ही हैं। तो भाई यहाँ पे आए हैं हम लोग लाइब्रेरी में, अपना आई कार्ड निकाल लें, दिखाता हूँ मैं। भाई यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम उसका, यहाँ से कार्ड निकलता है हमारा ग्रिफिथ का, इसके लिए वेट कर रहे हैं, लाइब्रेरी है। तो भाई वो जो आईडी कियोस्क था उस पर तो हमें आई कार्ड मिला नहीं, तो अभी अपन लोग आए हैं स्टूडेंट सेंटर में आई कार्ड लेना, सामने बैठे हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें तो कैसे मिलेगा आई कार्ड। इस तरीके का सीन है, ये स्टूडेंट सेंटर है। खड़ा गया वो, अरे नंबर छुपाते हैं, फाइनली आई कार्ड मिल गया भाई। भाई मेरे साथ तो ना सारी चीज़ें नई नई होती हैं, ऐसा केस हुआ मेरे साथ जो यूनिवर्सिटी के सामने कभी आज तक आया ही नहीं। मैंने फ़ोटो अपलोड करी आई कार्ड के लिए ऑनलाइन, फ़ोटो अपलोड हो गई थी, सब कुछ था मेरे पास, कन्फर्मेशन का मेल भी आ गया, लेकिन जब उन लोगों ने खोला ना उनको फोटो ही शो नहीं हो रही थी, उन्हें पता भी नहीं था अब करना क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि अब करना क्या है, क्योंकि पहली बार ऐसा सीन हुआ था कि किसी बंदे की फोटो ही शो नहीं हो रही है। पता नहीं मेरे साथ क्यों होती हैं ये चीज़ें, सारी मनुष्यत मेरे में ही है। उन्होंने भाई एटलीस्ट आधा घंटा अपना वेस्ट किया, बहुत कोशिश करी, जैसे तैसे इन दी एंड निकाल के दिया, फाइनली आई कार्ड आ गया, तो मैं दिखाया मैंने वीडियो में। तो यही सीन है यार, अपन के साथ तो हमेशा प्रॉब्लम ही होती है, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि मजाक नहीं, हलवा नहीं है, सुबह उठे और खा लिया, ठीक है, घूम रहे हैं सुबह। अबे ब्रेकफास्ट करके तो आया था भाई, तो बहुत मेहनत लगती है भाई, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। 1:30 बजे तो जाए खा लेंगे यार, तू रोता बहुत है यार, बोलूँ यार वैसे कमजोर हूँ, है तेरा पेट नहीं भरा यहाँ की ब्यूटी देख देख के, काटना पड़ेगा ये वाला नहीं काट देंगे यहाँ पे, पापा फोन करेंगे रात को, भैया बोलेगा कि तू डिपोर्ट हो जाएगा, ये बातें मत की आकर। भैया ऐसे नहीं होते यार डिपोर्ट, यार तू समझता नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, पढ़ाई भी हो गई, आई कार्ड भी आ गया, अब जा रहे हैं घर, खाना पीना बनाएंगे, मौज लेंगे जिंदगी के यार। तो मैं क्या करना, तुम वीडियो देखो, बाकी इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड भाई, पहला हमारा स्टडी डे यूनिवर्सिटी का ख़त्म हो गया, ठीक है भाई, ओके गाइस, सी यू अगेन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद हो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।